सभी नेपाली दाजू बहनी को मेरे तरफ से नमस्ते। मेरा नाम है आर्यन और आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे, जिसका नाम है मैजिकल रिएक्शन। जैसे कि आप जानते हैं मैं नेपाली वीडियो का ही रिएक्शन करता हूँ ज्यादातर, तो आज जो मैं रिएक्शन करने जा रहा हूँ जिसका अभी एक ट्रेलर आया है जो है चोर र पुलिस। जी हाँ, अब हिंदी में बात करें चोर और पुलिस ऐसा कुछ। बाकी इनके जो एक्टर के नेम्स हैं सबको जानता हूँ मैं, कॉमेडी एक्टर्स हैं ज्यादा इसके अंदर, और इसके में राजेंद्र खड़की भी हैं जो नेपाल के एक्शन डायरेक्टर हैं बहुत बड़े और बहुत पुराने। तो चलो पहले बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। 1 2 3 एंड स्टार्ट। म्यूजिक नेपाल प्रोडक्शन। ओ असली है अभी भी एक्शन करते हैं वैसे राजेंद्र खड़के। ये बंदा कॉमेडी ने हर चीज पैसों से नहीं खरीदी जाती, हर चीज पैसों से खरीद सकते हैं, रानी बन के रहना या रात बन के। ये अंकल भी एक्शन कर रहे हैं। तुम मेरे साथ एक्शन नहीं कर पाओगे। ओ मुर्गा कर दी लाल। इमोशन तुम्हें शायद मुझ पे प्यार नहीं आता होगा, मुझे हमेशा तुम पे प्यार आता है। तिमले सबै कुरा थाहा छ, तिमीले भनै पर्छ। म पनि यो शहरको भीडभाडमा आफूले माया गरेको मान्छे खोज्दा खोज्दै थाकेको मान्छे हुँ। सही बात है। मैले तिम्रो कामलाई सम्मान तारे कमेडियन ने आज तैले मर्नै पर्छ। एक्शन तो हर कोई करता है वहाँ पे यार। सारे मिस्टरी पर आए छो माया घर से बने को आए ना छोड़े रे जाने ले माया बन सा। तुम तो बहुत सेल्फिश निकले, छोड़ के जाने को कोई प्यार कहते हैं? तेरे खेली स्टाइल चोर पुलिस को खेल, आज हम तेरे खेल खत्म कर दी। बहुत खेल ले चोर चोर पुलिस का खेल, आज तेरा खेल खत्म कर देता हूँ। क्या बात है। इसी के साथ ये हमारे वीडियो समाप्त। ये सारे मतलब कॉमेडियंस थे इसमें ज़्यादातर ना, जो इसमें जो मेन हीरो लग रहा है जो जिसने जो चश्मा पहन रखा है, ये इनको मैंने कई फिल्मों में देखा। ये हमें तीन भाई मूवी में देखा है जो डांस करते हैं, हजूर वाले बने थे ऐसे डांसर थे पहले, बाद में ये एक्टर बन गए। और इनके बताऊँ इनका धूम सीरीज बहुत है, जैसे यहाँ तो धूम 3 तक ही आया अभी तक, इनकी धूम पता नहीं 5-4 पहुंच चुकी है वहाँ पे ना, तो धूम नाम से फिल्म बनती है। जब मैं नेपाल गया था काठमांडू में, धूम 2 लगी हुई थी वहाँ पे, तो मैंने देखा था जब। और इनके नाम मुझे पता नहीं, मुझे राजेंद्र खड़के का ही नाम याद है बस, बाकी के नाम मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, कम बजट की मूवी, एंटरटेनिंग है, अपना टाइम पास कर सकते हैं जाके, बट इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते कि बहुत हमें एंटरटेन करेगी, ऐसा नहीं। कॉमेडी फिल्म है, कॉमेडी इंजॉय करके आ सकते हैं आप अपने टिकट्स लेके, अदरवाइज इतनी बड़ी मूवी नहीं है, कम बजट की मूवी। कम बजट की मूवी बनाते हैं ये लोग बेचारे, क्या करें, प्रोड्यूसर नहीं है इतने, तो खुद से ही कर लेते हैं अपना, तो ज़्यादा उम्मीद नहीं रखेंगे। बट ठीक ठीक लगा मेरे को, इतना बहुत अच्छा भी नहीं, क्योंकि आप हम इनमें कमियाँ ढूंढने लगे यार, कम बजट में बनी हुई मूवी है तो क्या कमियाँ निकालनी इसके अंदर, है ना। फिर भी इन्होंने कम बजट में फिल्म बना दी एक पूरी, नहीं तो लोग वो भी नहीं बना पाते। सपोर्ट करना तो बनता है ना, चाहे छोटी मूवी हो या बड़ी मूवी हो, मूवी को मूवी की नज़र से देखना चाहिए हमेशा। तो आजकल जो है मेरे वीडियोस पे बड़े कम व्यूज आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं करो यार, मेरी वीडियोस देखो, नोटिफिकेशन में देखा करो, मेरी वीडियोस आती रहती है, तो प्यार दो जैसे आप पहले देते थे, और मेरे चैनल को आप ऐसे ही आगे बढ़ाएं, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, बेल आइकन भी दबा दें। चलो मिलते हैं अगले ऐसे से खूबसूरत वीडियो के साथ। जय नेपाल, जय भारत।